But I need to tell you something. हेलो गाइस, वेलकम टू तेजी मीडिया न्यूज़। तो गाइस, आज की न्यूज काफी शॉकिंग होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मॉर्बियस स्पाइडरमैन विलेन, जिसके ऊपर एक सोलो मूवी आ रही है सोनी कंपनी में, अब आज की न्यूज काफी शॉकिंग होगी। हाल ही में सुसाइड स्क्वाड 2 में जेरेड, जो कि जोकर का रोल करते थे और काफी अच्छा कैरेक्टर था जोकर, जिसका जेरेड रोल करते थे और वो सभी को कैरेक्टर पसंद आया, बट अब कुछ अलग हो गया। अब सोनी कंपनी में ये मॉर्बियस लिविंग वैम्पायर का रोल कर रहे हैं। जी हाँ, ये कैरेक्टर बिल्कुल उनसे मिलता जुलता है। चॉइस तो सोनी की बहुत अच्छी है, बट इंटरनेट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। जी हाँ, जो इंटरनेट की ऑडियंस है, उन्हें ये कैरेक्टर बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें चाहते थे कि वो सुसाइड स्क्वाड 2 में रहे और कोई भी कैरेक्टर दो रोल प्ले ना करे। जी हाँ, या वो सुपर विलेन का हो या सुपर हीरो का हो। और जब ये मूवी बन रही है तो आप लोगों की चॉइस है कि आप इन्हें इसे मॉर्बियस में पसंद करना चाहेंगे या जोकर में, क्योंकि अभी हाल ही में सोनी ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि जेरेड ही इसका रोल करेंगे। आपको क्या लगता है कि ये कैरेक्टर किस में ज्यादा अच्छा लगता था? और फाइनली लिविंग वैम्पायर का कास्ट कर ली गई है, तो ये मूवी की स्क्रिप्ट पे भी काम चलेगा और देन उसके बाद ये मूवी का काम पूरा एंड ऑफ द ईयर हो जाएगा। फिर देखते हैं कि ये मूवी कैसी बनेगी जेरेड के साथ। तो आप लोगों को ये कैरेक्टर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे या तो उस पर कंडिश के हाथ मारो या पैर मारो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूं।